देखिए बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है। वैलेंस शेल ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 4s2 4p1, टू विच ग्रुप डज द एलिमेंट बिलोंग। तो मेरे भाई बात यह है कि p ऑर्बिटल का 4s2 4p1 का ग्रुप होता है 3a। फिर कह रहे कि कैल्शियम जिसका नंबर 20 दिया हुआ है, क्लोरीन का 17 दिया है, तो कह रहे हैं जो फार्मूला है कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा। तो भाई ये होगा, ये तो बहुत ही लंबा सवाल था। फिर कह रहे हैं CO2 और SO2 की बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। तो देखो CO2 होता है लीनियर, कैसे भाई, ऐसे करके, ठीक है, ये लीनियर है। इसके बरक्स SO2 सल्फर यूं करके ऑक्सीजन लगे होते हैं एंगुलर शेप में, ना सिर्फ एंगुलर होते हैं, पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव पोलर भी होता है। तो SO2 एंगुलर भी हो जाएगा और साथ साथ पोलर भी हो जाएगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं इथीन में, तो इथाइन में, ठीक है। तो जितने भी अल्काइन हैं इनमें हमेशा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, SP होती है, SP हाइब्रिडाइजेशन। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन KP और KC इक्वल। KP और KC तब इक्वल होते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हों। हम ऑप्शंस में से देख लेंगे कि किस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर।